सबको सबको देंगे सबको देंगे एक बिस्किट दो एक ग्लव दे पहनोगे ना। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस अभी सीने से फिलहाल टाइम हो चुका है 1:42 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट दोपहर हो चुकी है। एंड गुड मॉर्निंग मैंने इसलिए बोला बिकॉज जब तक आप देखोगे तो गुड मॉर्निंग ही होगी इसलिए। एंड वैसे मस्त नहा धो के रेडी हो चुका हूँ एंड खाना भी खा लिया। और गाइस आज है संडे तो मस्त सुबह सुबह मैं खेलने चले गया था। इनफैक्ट इतनी धुंध थी फिर भी मैं खेलने गया और मस्त खेल के यार काफी अच्छी गेम लगी भाई, सब मजा आ गया। तो मस्त आया घर पे, मस्त खाना खा लिया। एंड आज है क्रिसमस तो सभी को भाई सब मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस। और गाइज मैंने लास्ट वाले व्लॉग में बोला ही था कि भाई आज के व्लॉग में काफी कुछ स्पेशल होने वाला है, हम कुछ यूनिक करने वाले हैं। उसके लिए भाई सब मैं जिनो भाई और नितिन भाई भी जाएंगे। एंड बाकी मैंने जिनो भाई को फोन कर दिया है तो जिन्होंने बोल रहे कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। नितिन को भी कर दिया, वो तो बिल्कुल पास में रहता है, उसको तो पास चले जाएंगे अपन। एंड अभी सीन तो ऐसा मस्त नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और शूज वगैरह नहीं पहने। और भाई बाकी आज के व्लॉग में क्या क्या होगा वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो आप थ्रू द व्लॉग देखना। एंड कैसा लगेगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना। तो भाई मस्त मम्मी जी को भाई भी बोल दिया, सो निकल रहा हूँ मैं। पहले निकल रहा हूँ मैं नितिन भाई के पास बिकॉज जिन्हें को ना एक काम है तो वो शायद वो थोड़ा टाइम लग जाएगा। नितिन भाई से मैं ना फिर नितिन भाई के पास निकल लेता हूँ। चलो भाई ठंड बहुत हो रखी है। ओ भाई साहब जिन्हें को ना फोन कर ही लेता हूँ भाई। तो भाई बस जिनम से बात हो चुकी है, बस गली में है, पहुंचने वाला है। तो अभी फाइनली जिनम भी आ चुका है। वायरल हो रहा है लड़का, एक बार करते भाई। मजा आया था भाई साहब। हेलो बेस्टी, मेरे को सही नहीं करना था, तेरे को आता है सही करने। एक बार तो चलते हैं, नितिन को फोन मार लेता हूँ मैं। तो नितिन घर पे चलते हैं आ जा। तो अभी फाइनली नितिन भाई घर पे आ चुके हैं। ओ आ गए भाई, नाम लिया। और नितिन भाई आ जाए। और भाई ठीक मीट जिनम ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है चले। तो भाई नितिन चलाएगा स्कूटी। तो भी फाइनली हम वहाँ से निकल के तीनों यहाँ आ चुके हैं मार्केट में। एंड गाइस आप देख सकते हो बहुत सी मतलब यहाँ पे शॉप वगैरह है, जो भी ग्लव्स वगैरह एंड जो भी सॉक्स वगैरह सो लेंगे तो हम ग्लव्स ही। तो अभी डिसाइड नहीं हो कौन शॉप पे जाएं, तो हमको ये थोड़ी सही सी लग रही है, इस पे जाएंगे भाई। और भाई यहाँ देखो सर्दियों का कितना स्टॉक है, लाइक सॉक्स है, टोपी वगैरह एंड सब कुछ ही है। तो भी फाइनली इस वाली शॉप में आ चुके हैं एंड हमको भैया दिखा रहे हैं ये वाले हैं थोड़े, इनकी क्वालिटी वाइज थोड़ा कुछ अच्छी वाली क्वालिटी नहीं होगा। तो भी फाइनली हमने ग्लव्स देखे थे तो ग्लव्स का फाइनल हो चुका है, तो आप उनको बोल दिया तो वो निकाल रहे हैं। दो दर्जन लिए हैं भाई, दो दर्जन बहुत रहेंगे एक बार के लिए। तो भी फाइनली हमने ले लिए हैं, बाकी आपको भी खोल के दिखाते हैं भाई। तो हाँ ठीक है, मतलब मिक्स कलर हैं, उसमें तो मिक्स नहीं थे पर इसमें मिक्स रहेंगे भाई, सही हैं। तो भी फिलहाल हम यहाँ से निकल रहे थे, फिर हम सोच रहे हैं कुछ ना खाने पीने को लेके जाएँ, खाली या तो क्या जाएँ। सोच रहे हैं कि क्रीम वाले बिस्कुट नहीं होते, थोड़े बहुत दे देंगे एक एक पैकेट, तो हाँ इनकी भी दोनों की यही राय है। तो भाई फिलहाल हम यहाँ से निकल ही रहे थे, इतने में कहेंगे दो बच्चे मिल गए हमको जो कि ना कुछ खाने के लिए मांग रहे थे। तो हमने बोला खाने के लिए कुछ है नहीं, ग्लव्स दे रहे हैं। तो वहाँ भाई दे रहे जिनव, सेम साइज आ जाएगा। तो भाई फाइनली इनको दे दिया हमने। तो भाई फाइनली हम है मार्केट में, आज संडे ना तो काफी भीड़ है भाई। ये वही अंकल है जो कपड़े उछालते हैं, बोले तो गाइज आज संडे सेल है, रश बहुत है भाई। तो गाइज आगे ना बहुत रश है, हम सोचे गली में से निकाल लेते हैं किसी शॉर्टकट से। इस गली में से निकाल रहे हैं, निकाल ले भाई। तो भाई जैसे तैसे करके निकाल रहे हैं, इनफैक्ट भाई साहब आगे बहुत रश था, हमको टाइम काफी लग जाता अदरवाइज। और भाई इस वाली गली में भी ना ये छोटे वाला फोर व्हीलर बीच में आ गया भाई साहब, बोले तो लेट पे लेट हो रहे हैं भाई। और भाई अभी मुश्किलें खत्म नहीं हुई, ये भी कार भी बीच में आ चुकी है भाई। नितिन बोल रहा है कि अभी तो शुरुआत है भाई। भाई मैं कहना चाह रहा हूँ अभी तो मुश्किलों की शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। तो भी फाइनली गाड़ी वाले ने पीछे कर लिया ताकि रास्ता मिल जाए। और भाई ये रहा सेंटा क्लॉस। तो भाई फाइनली सिरसा के एमसी मार्केट में आ चुके हैं भाई साहब। यहाँ पे ना काफी अच्छे रेट में ना काफी खाने पीने की चीज मिल जाती है, लाइक बिस्किट भुजिया और भी काफी मतलब कि नाश्ते पानी की चीजें काफी मिल जाती है भाई यहाँ पर। इनमें से कहीं से लेंगे, बाकी जिनो लेके आया, जिनो को ज्यादा पता होगा। लाइक यहाँ भी इधर गाइस चेक करो। तो
तो भाई ये क्रीम वाला बिस्कुट ले रहे हैं, शॉप में आ चुके हैं। दूसरे वाले तो भाई एक ये वाला ट्राई कर रहे हैं, ऊपर वाला एक ये भाई साहब। तो दो पैकेट बहुत है ना, ये दो लेते हैं, ये दो पैकेट कर दो भाई। अब भाई कुछ लेना, हमने ग्लव्स भी ले लिए हैं, बिस्किट भी ले लिए हैं चॉकलेट वाले, अब कुछ लेना भाई साहब, डायरेक्ट वहीं जाएंगे बांटने के लिए। तो भाई हमने दोनों पैकेट ना ऐसे थैली में डलवा लिए हैं, चलो इसको डिगी में डाल दे, ये लटकाना है, चल यहाँ अटका दे भाई। तो चलो भाई डायरेक्ट वहीं चलते हैं फिर। तो भाई हम बांटने आए थे, एक्चुअली क्या था, जितने हम बच्चे थे ना, बच्चों को बांटने आए थे, यहाँ पे है ही नहीं भाई बच्चे, हमने नज़र मार ली है कि भाई बच्चों को दें, पर बच्चे है नहीं, वो ना मेरे को पता है पक्का, क्योंकि जो कॉलेज के बाहर ना मांगने गए हुए हैं, तो देख रहे हैं कि अगर वहाँ जाएंगे या कहीं और जाएंगे तो यहाँ तो नहीं बांटेंगे भाई, बिकॉज यहाँ पे कोई नहीं है, इनफैक्ट यार कोई बच्चा नहीं दिख रहा। तो बच्चे होंगे, बच्चों के लिए लेके आए थे, बच्चों को ही देंगे। तो भाई फिर तू क्या सोच रहा है, कॉलेज के बाहर चलने हैं क्या? ढूंढ लेते हैं भाई, और तो क्या होगा, जिन्हें बोल रहे इसको भूख लग रही है, एक पैकेट मैं खा लूँ क्या, कोई ना बच्चेगा तो तू खा लियो, बाकी मैं बच्चे नहीं दूंगा, बांट के जाऊँ सारे। और गाइज बच्चों को ढूंढने के लिए ना हम कॉलेज भी आए हैं, इनफैक्ट यहाँ पे एक भी बच्चा नहीं है भाई साहब, एक बच्चा भी नहीं दिख रहा, अगर एक बच्चा दिखता तो बात करें, एक भी नहीं है, और आज संडे ना तो कॉलेज तो वैसे भी बंद है, तो बच्चे नहीं है भाई साहब, कहाँ ढूंढे, यहाँ पर बच्चे मिले नहीं यार। चलो आगे चलते फिर, आगे कहाँ चलें, कोई और जगह तो है नहीं, वहीं पर चलते वापस, वहीं पर। वहाँ गाइज बच्चे थे तो सही, पर ना बिल्कुल छोटे छोटे थे, एंड जो हमारे पास ग्लव्स है ना वो ठीक साइज़ के हैं। तो भाई दो तीन जगह पर ना बच्चों को ढूंढ कर हमको नहीं मिले वो, तो फाइनली जहाँ लास्ट टाइम हमने मैंने अपना जो बर्थडे का जो खाना पीना बांटा था वहीं एक बार फिर से आ गए हैं, एंड एक दो बच्चे हैं उनको दे देते हैं, बाकी जहाँ जहाँ मिलेंगे वहाँ वहाँ दे देंगे भाई। तो निकाल लिए हैं इन्होंने, एंड इसमें बिस्किट्स निकालो भाई, पहले से है। दस्ताने चाहिए आपको? एक है ऑलरेडी, ऑलरेडी है आपके पास, आपके पास किसी भाई बहन के पास नहीं है उसको लेके आओ जाओ, कोई छोटा आपके पास एक है ना, आपके कोई छोटा भाई बहन भाई कोई है, हाँ उनको लेके आओ, जितने भी हैं सबको बुला लाओ जाओ। तो भी मस्त इन्होंने दस्ताने वगैरह एंड बिस्किट का पैकेट खोल लिया भाई, एंड दे आर कमिंग भाई, एक बिस्किट का पैकेट है, दस्ताने हैं, कलर में ये नहीं आएगा, चलो दे दो कोई ना। तो भाई मस्त, मैंने अपने हाथों में ग्लव्स के पैकेट लिए हुए हैं, एंड भाई एक एक करके सबको बांट रहे हैं, साथ में ये भी हैं, तो हमको दो बच्चे दिखे तो हैं वहाँ आगे हैं भाई, किसी को इसमें सबको देंगे कोई ना कोई जो यहाँ में होगा ना उसको ही मिलेगा, जो मौके बच्चा हो उसको ही मिलेंगे। हाँ तो वहाँ आ रहे हैं, रुको इन दिस जो मौके पे होगा ना उनको देंगे, तो बच्चे के लिए और इसके हाथ ठंडे और मांगने के बाहर आ रहे हैं, बाहर ये तो नहीं, इनको ये वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा इनको, और ये छोटा निकाल, निकाली छोटा छोटा भैया, दो बच्चे हैं भाई मेरे, कोई नहीं आंटी, कोई नहीं, हाथ मुझे देना अंकल।
ठीक है बाय, इनका मिलाप अलग ही हो रहा है। ओके बाय। और गाइस हमने चर्च जा ही रहे थे तो इतने में ना जिन्हों को भूख लग रही थी तो मैंने कहा थोड़ा बहुत खा लेते हैं, सुबह से इसने कुछ नहीं खाया बता रही है, तो मस्त यहाँ आए हैं वर्मा फास्ट फूड पे। और भाई इस जगह की सबसे बेस्ट चीज़ ये है वासुदेव व्लॉग्स, एक वहाँ सामने भी है भाई। और गाइस ये प्लेट है पकौड़े की, लिटरली गाइस इतनी टेस्टी होती है ना ये, ये भाई खा रहा है, मैं भी खाता हूँ भाई सब। तो भाई मस्त पकौड़े खा लिए तो फिलहाल निकल रहे हैं चर्च के लिए। और गाइस जो सामने आप रास्ता देख रहे हो ना ये सामने जाएगा चर्च को। बाकी गाइस अभी ना जिन्होंने बताया कि वो ना गौरी अनुराग पहले ही जा चुके अंदर। और भाई यहाँ पे ऐसे कुछ है खाने पीने को, मेला टाइप लगा हुआ भाई, बच्चों के खिलौने भी है भाई, और भाई ये चेन लॉकेट सब कुछ है भाई। और भाई मस्त बच्चों के लिए झूले भी हैं। तो भाई ये है इस चर्च का मेन गेट, सिरसा की काफ़ी बड़ी चर्च है ये। और भाई यहाँ पे भीड़ है, पहले लोग आए हुए हैं काफ़ी। और भाई जो इस साइड ना कब्रिस्तान है आपको वहाँ भी लेके जाएंगे, पर इनसे मिलो। और बड़ी स्मार्ट बन गया है तो यार मकसद नहीं भूलना भाई जान। तो भाई वहाँ सामने आप देख रहे हो ये है चर्च, तो इसके पास जा रहे हैं। एंड गाइस हियर इज द चर्च, और भाई देख सकते हो काफ़ी बढ़िया बनाई हुई है। और यहाँ पर भाई गर्ल्स भी हैं, सभी मिक्स हैं, ज़्यादातर यहाँ पे गर्ल्स बॉयज आते हैं भाई, जो यंग होते हैं वो आते हैं भाई। और भाई ऐसा कुछ सीन होता है यहाँ पर, ऐसे कैंडल्स वगैरह जलाकर। और भाई ये है चर्च की बैक साइड, ऑलमोस्ट जितना भी एरिया सारा खाली पड़ा भाई। लिटरली गाइस ठंड काफ़ी हो रखी है, ठंड बिल्कुल बहुत ठंड हो रखी है भाई साहब, सहन नहीं हो रही। और नो डाउट लोग आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, रात को और भीड़ हो जाएगी भाई। और भाई अब देखो कितनी भीड़ हो चुकी है यहाँ, देखो भाई जहाँ पे मोमबत्ती जला रहे हैं यहाँ पे फुल भीड़ हो चुकी है भाई। चर्च काफी अच्छी लग रही है, यानी कि डेकोरेशन काफी सिंपल की हुई है बट काफी अच्छी लग रही है नो डाउट। तो गाइस फिलहाल टाइम हो चुका है 9 बज चुके हैं, मस्त उसके बाद घर आ चुका था। एंड भाई मैं तो मस्त बैठ गया था रजाई में, और लिटरली गाइस रजाई के अंदर ठंड लग रही है भाई, ऐसा लग रहा था ना ठंड ज़्यादा ही हो जा रही है भाई सब, टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो रहा है। और शाम को तो भाई सब चांस ही नहीं है बाहर निकलने का, घर वाले बोलते हैं कि थोड़ा 2-3 काम, तो कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा अगर नेसेसरी नहीं है तो मैं ना ही जाऊँ, क्योंकि मतलब खाना मैंने खाया नहीं है। 9 बज चुके हैं एंड मैंने अभी बोला पिंकू को, तो क्या कि गाइस दिन की रोटी पड़ी थी तो मैंने एक्स्ट्रा बनवा ली थी, मैंने खाई नहीं, तो मैंने सोचा कि उसका ना एक उसका काम करें क्या, उसको मस्त उसके अंदर रोटी को अंदर प्याज डाल के मस्त उसको फ्राई करके वो खाएंगे, और काफ़ी डिलीशियस होती है, मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैं उसको बोल रहा हूँ, इनको मस्त किचन में बना रही है वो। एंड गाइस चेक दिस, ऐसा कुछ होता है भाई सब, यानी काफ़ी ना क्रंची हो जाएगा पूरा फ्राई होके, तो वहाँ इतनी ये ले आती है गर्म गर्म करके बहन। और भाई इतने मैं चलता हूँ बड़े वाले रूम में, मस्त खाएंगे बैठ कर, तो चलो भाई। और गाइस सामने व्लॉग चल रहा है मोहित भाई की शादी के लेडीज संगीत का, मस्त हमारी बुआ जी नाच रही है भाई, ये लिटरली पहली बार नाची होंगी इतना, और इतना झूम के नाची भाई, ये देखो भाई कैसे बहुत नाची भाई बहुत नाची। तो भाई मस्त गरम गरम पिंकू देखी गई अभी, और इसको बोल सकते हैं हम देसी पिज्ज़ा भाई साहब, इतना टेस्टी होता है भाई ये। और भाई मस्त रोटी वाला पिज्ज़ा भी खा लिया है, पर फिर भी गाइस मेरे को ना भूख लग रही थी, तो मस्त मैं ना दूध गर्म करके ले आया हूँ, और साथ में बिस्किट भुजिए भी ये खा के मस्त हो जाएंगे भाई। तो भाई गाइस उसके बाद मस्त दूध ही पी लिया था, फिलहाल हम रूम में एंड हम मस्त फ्री हो चुका हूँ खाने पीने से। एंड आज के व्लॉग गाइस आपने देखा कि कैसे हमने वो जो ग्लव्स थे बिस्किट से वो लोगों में बांटे एंड देखे आए उनको, काफ़ी वो खुशी से उन्होंने हमसे लिए, तो नो डाउट ये है कि बहुत तगड़ी जरूरत होती है ठंड में भी। और गाइस बहुत से लोग शायद ये भी बोलेंगे कि भाई ये बांट रहे हो तो दान कर रहे हो तो ये शूट वगैरह क्यों कर रहे हो, वीडियो वगैरह क्यों बना रहे हो, ये इसलिए बिकॉज कि हम भी ना एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी में कि भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग कहीं बैठे हैं कहीं देख रहे हैं तो उनको ये हो गया भाई इन्होंने ये काम किया अच्छा काम, तो अच्छे काम करके उनके माइंड में एक अच्छे थॉट्स आएंगे कि हाँ भाई आस पास में हमको भी करना चाहिए। गाइस लिटरली मैंने उनको देखा ना कि भाई इतनी ठंड में भी अगर मान लो चलो कोई बंदा बिना जुराब के है बिना ग्लव के है तो भाई कोई ना कोई तो उसके पीछे रीज़न होगा, मतलब उनके पास है ही नहीं इसलिए उन्होंने नहीं पहना हुआ, एंड वो कह रहे थे ये लेके आओ, तो बाकी हमको ना लिटरली साइज़ का नहीं पता था भाई कितने साल के बच्चे का हमको होगा और कितने बड़े बच्चे मिलेंगे हमको नहीं पता था, तो हमने अपने हिसाब से लिए और बांट के आए। एंड ये था आज का व्लॉग, आई होप क्या वो व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना, एंड चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो लो बाय, टेक केयर, बाय गाइस। मकसद नहीं भूलना भाई जान, झूठे वादे सही दिल से निभाना कभी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कभी।